इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मोंटास एल टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। आपको ये दवा तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह दे। यदि आप उपचार बहुत जल्दी बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य देखभाल टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, दस्त, उल्टी, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, फ्लू जैसे लक्षण और थकान हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में जरा भी चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह न जान लें कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। कभी भी स्व दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की अनुशंसा न करें। इस दवा को लेते समय प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है। यदि आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करना जरूरी है। मोंटास एल टैबलेट के उपयोग। एलर्जी के कारण छींकने और नाक बहने का उपचार। परागत ज्वर का उपचार। एलर्जी त्वचा की स्थिति का उपचार। मोंटास एल टैबलेट के लाभ। एलर्जी के कारण छींकने और नाक बहने का उपचार। मोंटास एल टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जो बंद या बहती नाक, छींकने और खुजली या आंखों से पानी आने जैसे लक्षणों से राहत प्रदान करती है। इससे आपको अपनी दैनिक गतिविधियां करने में आसानी होगी। इसका शायद ही कभी कोई गंभीर दुष्प्रभाव होता है और आपको इसे केवल उन दिनों में लेने की आवश्यकता हो सकती है जब आपके लक्षण हों। यदि आप लक्षणों को रोकने के लिए इसे ले रहे हैं तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। परागत ज्वर का उपचार। हे फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, सर्दी जैसे लक्षणों का कारण बनता है, जैसे नाक बहना, आंखों में खुजली, कंजेशन, छींक आना और साइनस दबाव। अंतर केवल इतना है कि हे फीवर में ये लक्षण किसी वायरस के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि एलर्जी पराग जैसे एलर्जी पैदा करने वाले एजेंट के प्रति हमारे शरीर की एलर्जी प्रतिक्रियाएं हैं। मोंटास एल टैबलेट का उपयोग परागज बुखार के इन लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह ऐसे एलर्जी के लक्षणों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार रासायनिक पदार्थ की रिहाई को अवरुद्ध करके काम करता है। मोंटास एल टैबलेट एक सुरक्षित दवा है जो है बुखार के इलाज में मदद करती है और हमें आराम महसूस कराती है। एलर्जी त्वचा की स्थिति का उपचार। मोंटास एल टैबलेट सूजन और खुजली के साथ त्वचा में एलर्जी के इलाज में प्रभावी है। ये शरीर में उन रसायनों की क्रिया को कम करता है जो त्वचा की सूजन का कारण बनते हैं। जब सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार है। ये किसी जलन पैदा करने वाले पदार्थ के प्रति आपकी त्वचा की प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लालिमा, दाने, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार जैसे जैसे आपकी उपस्थिति बदलती है, यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार करता है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसे निर्धारित अवधि तक लेते रहें। मोंटास एल टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है, वे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। मोंटास एल के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, दस्त, मुंह में सूखापन, थकान, सिर दर्द, त्वचा के लाल चकत्ते, तंद्रा, उल्टी करना। मोंटास एल टैबलेट का उपयोग कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। मोंटास एल टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।